हाय माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे एक एवरीडे न्यूड काइंड ऑफ लुक जो कि आप अपने ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो। मैं एग्जैक्टली वही सब करने वाली हूँ जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ अपने ऑफिस में, और ऑलमोस्ट मेरा लुक ऐसा ही रहता है, सिर्फ हेयर स्टाइल बन या क्लचों में होता है। एंड ये काफ़ी हद तक क्लीन लगता है, बहुत ही हल्का सा ग्लैमरस टच है, और जो लोग लाइनर की जगह काजल लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लिप बाम से, उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी स्किन जो कि ऑयली है उसके अकॉर्डिंग है। सो ये जो मॉइस्चराइज़र है एम के फिन की तरफ से, दिस इज़ रियली रियली गुड। ये बहुत ही अच्छे से सीप इन होता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बेस्ट सूटेड है ऑयली स्किन के लिए। नेक्स्ट है ये सनस्क्रीन स्टिक जो कि है हैप्पियर की तरफ से। ये मैंने ट्राई करने के लिए ली थी क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा स्टिक्स ट्रेंड में है, सो मैंने इसको ट्राई किया। मैं कर ही रही हूँ, इसको टेस्ट करी बेसिकली रिव्यू के लिए। एंड इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसको जितना मर्जी लगा लो वाइट कास्ट नहीं आती, एंड कुछ अजीब तरीके का मैट इफेक्ट आता है, दैट्स लुक्स गुड। लाइक उसके बाद सनस्क्रीन के ऊपर आप कुछ नहीं भी लगाओगे तो भी आपकी स्किन जो है वो बेटर लगती है। देन मैं ले रही हूँ पाउडर, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है तो एनीवे मुझे पाउडर लगाना ही होता है। सो ये मेरा माइग्लैम का पाउडर है जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये एक्सेस ड्राई नहीं करता स्किन को। देन मैं माइग्लैम का ही आईब्रो पाउडर ले रही हूँ। ये 2-in-1 आईब्रो पाउडर है, बट इसके लिए आपको ब्रश अलग से रखना होगा जैसे मैंने रखा हुआ है। तो मैं इससे अपनी आईज़ को, आईब्रोज़ को फिल इन करती हूँ, एंड वेरी क्विकली ये मैं करती हूँ। देन मैं लेती हूँ 2 काजल, यस, एक ब्राउन काजल और एक ब्लैक काजल। इससे जो आपके काजल का लुक है वो काफ़ी हद तक इंटेंसीफाई और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप सिर्फ एक ही कलर लगाते हो वो काफ़ी हद तक स्टार्क लगता है और बहुत यूजुअल काजल लुक आती है, बट अगर आप इसको मिक्स करके लगाते हैं तो ये काफ़ी हद तक डिफरेंट लगता है। सो मैंने पहले ब्राउन से लेयरिंग की एंड देन वाटर लाइन में ब्लैक को फिल इन किया और ट्राई किया ये थोड़ा सा मर्जिन हो जाए, जिससे कि बहुत ही लाइट स्मोकी इफेक्ट आए। एंड उसके बाद आपको अपर वाटर लाइन को भी फिल इन करना है। देन मैं अपना फेवरेट ब्रॉन्जर ले रही हूँ, मुझे ब्रॉन्जर्स बहुत पसंद है। ये बहामा मामा ब्रॉन्जर है एंड यू कैन सी कि इसमें डेंट आया हुआ है, बिकॉज मैंने इसको जब से लिया है मैं ऑब्सेस्ड हूँ। मैं मेकअप करूँ नहीं करूँ ब्रॉन्जर ज़रूर लगाती हूँ। दिस इज़ रियली रियली गुड, मैं सब कुछ लिंक कर दूँगी एज ए सेट। नेक्स्ट मैं आईज़ लैशेस को कर्ल करना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मैं मस्कारा नहीं लगाती डेली बेसिस पे, बिल्कुल भी नहीं। देन मैं ले रही हूँ लिप लाइनर और उससे मैं लिप लाइन करूँगी। आप कोई भी अपना फेवरेट कलर या लिप लाइनर ले सकते हो, मैं यूजुअली ब्राउन या न्यूड रखती हूँ सो दैट नेक्स्ट जो भी लिपस्टिक हो वो अच्छे से बैठे, लाइक उसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो। देन मैंने लिया है ये माइग्लैम का एक ब्यूटीफुल सा शेड। ये परफेक्ट न्यूड नहीं है, परफेक्ट ग्लैम नहीं है, परफेक्ट कलर नहीं है, बट समवेयर इन बिटवीन जो कि ऑफिस में बहुत ही अच्छा लगता है एंड मेरी स्किन टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड देन मैं अपने बाल बनाती हूँ लाइक यूजुअल वे में, एंड यूजुअली मैं हाथ ही खुले छोड़ देती हूँ या फिर क्लचर करती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। बाय बाय।